अगर डिजाइन की बात तो किस तरह की डिजाइन है, बिकॉज हम देख रहे हैं टोटली डिफरेंट आपके हफ्ते के, तो ये कितना मेहनत करना पड़ा आपको इसलिए? एक्चुअली ज़रीन को ध्यान में रखते हुए हमने ये कॉर्सेट गाउन स्टाइल किया है. आई वांट टू टेल एवरीवन दैट इको फ्रेंडली फाइबर्स एंड इको फ्रेंडली जो फैशन की हम बात करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर वेयर में लिमिटेड नहीं है. एक गॉर्जियस सेलिब्रिटी लाइक ज़रीन खान कैन लुक गॉर्जियस इवन इन एन इको फ्रेंडली आउटफिट. और आज आप देख रहे हैं पूरा कटवर्क किया है हमने, जो फाइबर्स इसमें यूज़ किए हैं वो सारे इको फ्रेंडली है. तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप ब्यूटीफुल इको फ्रेंडली में ना लगे. सो गाइज प्लीज़ सपोर्ट अर्थ 21 बिकॉज ये एक बहुत ही डियर इनिशिएटिव है जो मैं एक डिज़ाइनर के नाते जो भी कर सकती हूँ एनवायरनमेंट बचाने के लिए आई एम डूइंग इट. एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू ज़रीन फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस एंड आई थिंक शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस. ज़रीन को ही क्यों चुना आपने, मतलब कई सारी अदर लेसेंस भी ज़रीन इज वेरी वेरी बबली, वेरी वेरी चर्पी. शी इज अ यूथ आइकन एंड शी लुक्स गॉर्जियस. I think in what she's wearing, she's looking beautiful. So keeping her in mind, I chose this outfit. And today she's done like 100% justice to what she's wearing. And I'm really happy and thank you, Zareen, once again. Maybe जैसे बात की गई अभी Zareen ने बताया तो जो material है उसका क्या special eco friendly कैसे है उसे? देन इज अ विस्कोस ब्लेंड और हमने एक नया विस्कोस ब्लेंड तैयार किया है विच इज़ एटलीस्ट 200 टाइम्स बेटर देन प्योर कॉटन. हम जब इको फ्रेंडली की बात करते हैं आई थिंक ले मैन को यही समझ में आता है कि हाँ कॉटन होगा हाँ या खादी होगा, लेकिन ज़्यादातर डिज़ाइनर्स इतने ऊपर आके इतनी एफर्ट नहीं करे हैं कि ओके इफ़ वी डू मेक अ डिफरेंस वी विल मेक अ डिफरेंस बाय कर्बिंग फैशन वेस्ट. आज फैशन वेस्ट एक बहुत बड़ा खतरा है. ग्लोबल वार्मिंग इज समथिंग दैट एवरीबॉडी नीड्स टू रिलेट टू. शायद आप मीडिया में हो या एक्ट्रेस हो या डिज़ाइनर हो या जो भी हो, हम जितना भी छोटी सी छोटी चीज़ कर सकते हैं वो हमें करनी चाहिए. और ये जो मेरा अर्थ 21 कॉज है, द एंटायर प्रॉफिट्स ऑफ द आउटफिट्स दैट वी सेल ऑन अर्थ 21 आर गोइंग टू प्लांट ट्रीज. और मैंने ये प्लेज लिया है कि हर एक आउटफिट का जो हम प्रॉफिट कर रहे हैं हम ट्रीज प्लांट करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे बाय प्लांटिंग ट्रीज इज़ वॉट आई बिलीव वी कैन सेव मदर अर्थ. और यही हमारी कोशिश है. थैंक्स.